प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 7 में राष्ट्रीय निगम एवं संयुक्त क्षेत्र और साथ ही सार्वजनिक निजी साझेदारी वाले उपक्रम कौन से कहलाते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां या संस्थाएं जिनका व्यवसाय व्यापार एक देश से अनेक देशों में फैला हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। बहुराष्ट्रीय निगम, यहाँ हमारे सामने बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ, जैसा कि अभी बताया हमने कि जो कंपनी या निगम अनेक देशों में अपना व्यवसाय करता है बहुराष्ट्रीय निगम की श्रेणी में आता है, जिसे हम भूमंडलीकरण या विश्व उपक्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बहुराष्ट्रीय निगम का जो अर्थ है, यहाँ पर ऐसी कंपनी या ऐसी संस्थाएं जिनका व्यापार व्यवसाय अनेक देशों में फैला हुआ है, वो बहुराष्ट्रीय निगम है। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं, ये एक बड़े और विशाल आकार वाली कंपनियां होती हैं जिनका उत्पादन और व्यवसाय बहुत से देशों में फैला होता है। तो ये विशाल आकार वाली कंपनी होती है। दूसरा जो है, विश्व के सबसे बड़े 200 बहुराष्ट्रीय निगमों का विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 30% हिस्सा है। तो यहाँ पर जो विश्व में कुल उत्पादन होता है, उस कुल उत्पादन में लगभग जो 200 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका हिस्सा जो है, वो लगभग कुल उत्पादन का 30% हिस्सा बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे जो उदाहरण हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे सामने, जैसे टाटा समूह, कोका कोला, रिवॉक, कैडबरी, नेस्ले, सुजुकी, सोनी आदि कुछ जो हैं, ये प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम है। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो उपक्रम है जो उस देश जिसमें उसकी स्थापना हुई है के अतिरिक्त एक या एक से अधिक देशों में व्यवसाय संचालित करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो एक ऐसा उपक्रम है, उद्यम है, जो उस देश में जिसमें उस देश में उसकी स्थापना हुई है, उस देश के अतिरिक्त बाहर के दूसरे एक या एक से अधिक देशों में व्यवसाय को संचालित करती है, वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय निगम। इसके बाद हमारे सामने हैं बहुराष्ट्रीय निगम की विशेषताएं, कि किस आधार पर हम कहें उन उपक्रमों को कि वो जो है बहुराष्ट्रीय निगम कहलाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो आता है वो है विशाल पूंजी। अपने वित्तीय संसाधनों के जो है, इनका विशाल, इनकी क्षमता होती है, बहुत अधिक मात्रा में ये, इनके पास वित्तीय संसाधन होते हैं। ये न केवल समतांशों व ऋण पत्रों से पूंजी जुटाते हैं, बल्कि अन्य साधनों से और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों आदि से बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करते हैं। तो ये जो बहुराष्ट्रीय निगम है, इनका जो है विशाल, बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन स्थापित करते हैं, जो कि ये वित्तीय जो प्राप्त करते हैं कहाँ से, समतांशों से या ऋण पत्रों से पूंजी जुटाते हैं। साथ ही जो अन्य साधन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक वगैरह, यहाँ से भी बड़ी मात्रा में ऋण ये प्राप्त करते हैं। दूसरा बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय संचालन। अंतर्राष्ट्रीय संचालन से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो उपक्रम की प्रबंध की व्यवस्था है, जो उपक्रम का संचालन है, वो दूसरे देश से भी किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय या जो भी उपक्रम संचालित हो रहा है वो एक देश से संचालित हो रहा है, और उसका जो व्यवसाय है, उसकी शाखाएं हैं जो बहुत सारे देशों में फैली होती है। तो यहाँ उत्पादन, विपणन एवं अन्य व्यवसायिक कार्यों का संचालन सहायक कंपनी या शाखाओं के द्वारा किया जाता है, जो दूसरे देश में उसकी जो सहायक कंपनियां हैं, जो उस उपक्रम की जो शाखाएं हैं, वहां के भी जो करने वाले लोग हैं, वो संचालन यहां पर करते हैं। फिर तीसरा बिंदु आता है विदेशी सहभागिता। यहां पर जो है आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए
अन्य देशों के फर्मों को अपने अधिकार में या जो है सहभागी के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये कंपनियाँ जो होती हैं बड़े विशाल आकार वाली होती हैं और ये अधिक आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य देशों की फर्मों को अपने अधिकार में या सहयोगी या सहभागी के रूप में ले लेती हैं, तो ये कहलाती विदेशी सहभागिता। मतलब दूसरे देश के भी जो प्रतिनिधि हैं, जो संचालक गण हैं, फर्म से जो जुड़े हुए हैं, उनको सहयोगी के रूप में यहाँ पर लिया जाता है। फिर चौथा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पर अपने विशाल साधनों एवं श्रेष्ठ विपणन कुशलता के कारण बहुराष्ट्रीय निगम की जो पहुंच है वो पूरे क्या होती है, विश्व में होती है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ विपणन कुशलता के कारण अपनी वस्तु व सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच लेते हैं। चूंकि श्रेष्ठ क्वालिटी का उत्पादन किया जाता है, बहुत बेहतर प्रबंधक इनके पास संचालक गण होते हैं और इनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है, अच्छी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको बेचा जा सकता है। अगला बिंदु हमारे सामने है पेशेवर प्रबंधक। बहुराष्ट्रीय निगम में जो है जो प्रबंधक हैं वो विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट प्रशिक्षण वाले लोग होते हैं, तो वो बेहतर ढंग से जो है उपक्रम को संचालित करते हैं और जिससे जो है उपक्रम बहुत तेजी से सफलता प्राप्त को करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पेशेवर प्रबंधकों के विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षित को होने से जो निगम के अंतर उपक्रम के अंदर संपूर्ण उपक्रम में एक रूपता आ जाता है। तो ये हैं आपके बहुराष्ट्रीय निगम की विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय निगम के लाभ। नंबर एक है विदेशी पूंजी की प्राप्ति। चूंकि विकासशील देशों में जो है औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी पूंजी शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। वैसे भी विकासशील देशों में विदेशी पूंजी की क्या होती है, कमी होती है, और बहुराष्ट्रीय निगम जो है इनके पास पर्याप्त मात्रा में विशाल साधन होते हैं, अतः इनकी सहायता से विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी पूंजी जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। दूसरा बिंदु हमारे सामने है विकसित तकनीक। विकसित तकनीक, उन्नत टेक्नोलॉजी। तो चूंकि विकासशील देशों के पास जो है उन्नत टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में संसाधन है उनके पास, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने के हिसाब से उनके पास तकनीकी टेक्निक नहीं होती। बहुराष्ट्रीय निगम जो है उनके माध्यम से उन्नत तकनीक उनको प्राप्त होती है। फिर तीसरा बिंदु जो है रोजगार में वृद्धि। तो रोजगार में वृद्धि जो है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगम किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि विशाल वित्तीय साधन व औद्योगिकीकरण से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। चूंकि बहुराष्ट्रीय निगम के जो है विशाल वित्तीय संसाधन होते हैं इनके पास, औद्योगिकीकरण जो है इनके द्वारा तेजी से किया जा सकता है, टेक्निक इनके पास बेहतर होती है, तो उस विकासशील देश में जो है रोजगार की बहुत अधिक मात्रा में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर रोजगार में वृद्धि होती है। अगला बिंदु जो है प्राथमिकता वाले उद्योगों का विकास। अब प्राथमिकता उद्योग वाले विकास कौन कौन से हैं, जैसे ऊर्जा का संबंधित हो गया, लोहा व इस्पात उद्योग हो गए, ये प्राथमिकता वाले उद्योग कहलाते हैं। तो ये ऐसे उद्योग हैं इनके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी व तकनीक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है बहुराष्ट्रीय निगम के माध्यम से हम अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी जुटाने में जो है इनकी बड़ी यहाँ पर भूमिका होती है। अगला बिंदु है स्वस्थ प्रतियोगिता। मेजबान देश अर्थात जो विकासशील देश हैं, जिस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, निगम जो है वो अपने उपक्रम को स्थापित कर रहे हैं, तो मेजबान देशों में प्रतियोगिता में वृद्धि करते हैं। उस देश में जो उत्पादन जिन उपक्रमों के द्वारा किया जा रहा है
वहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगम जो है और अच्छा और बेहतर क्वालिटी का उत्पादन उस क्षेत्र में करते हैं। तो इस स्थिति में जो है उस देश के उपक्रमों के और साथ में बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच में प्रतियोगिता बढ़ती है। इससे क्या होता है, घरेलू जो उत्पादन है, घरेलू एकाधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी तक जो उस मेजबान देश में, विकासशील देश में जिस तरह से उत्पादन हो रहा था, उस उत्पादन पर जो घरेलू उपक्रम है जिस तरह से वो अपना एकाधिकार बनाए हुए थे, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगम के आने से जो है उनके एकाधिकार की समाप्ति होती है और ये निगम जो है घरेलू कंपनियों को अपनी क्षमता में सुधार हेतु विवश कर देता है। अगला बिंदु है जीवन स्तर में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय निगम के माध्यम से जो है देश में श्रेष्ठ व अच्छी और बेहतर वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वहां के निवासियों के जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो लाभ है विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है, विकसित तकनीक का उपयोग होता है, अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, साथ ही जो प्राथमिकता वाले उद्योग हैं उनका विकास होता है, घरेलू एकाधिकार जो है मेजबान देशों के जो अंदर उपक्रम है उनमें एकाधिकार समाप्त हो जाता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब जहां पर हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय निगम से बहुत से फायदे हैं, वहीं पर उस विकासशील देश या मेजबान देश को कहीं ना कहीं कुछ हानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो ऐसी हानियां कौन सी हैं, दोष कौन से हैं, ये हम यहां पर देखते हैं। नंबर एक, जैसे राष्ट्र की प्रभुसत्ता को खतरा, क्योंकि ये बहुत बड़े विशाल आकार वाली निगम होते हैं और इनके संसाधन जो है बड़ी मात्रा में होते हैं, तो ये जो विकासशील देशों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। दूसरा जो है लाभांश व रॉयल्टी की अदायगी। मेजबान देशों में प्रारंभ में तो विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, किंतु बाद में जब बहुराष्ट्रीय निगम स्थापित हो जाते हैं, जब उस देश की उनको आवश्यकता बन जाती है, तो बाद में लाभांश रॉयल्टी तकनीकी परामर्श के रूप में इन निगमों को फीस चुकाना होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये दूसरा जो है लाभांश व रॉयल्टी की अदायगी। फिर तीसरा है अनुपयुक्त तकनीक। मेजबान देशों में पुरानी व अनुपयुक्त तकनीक प्रदान करते हैं ताकि इन निगमों के लिए प्रतियोगिता ना बढ़े। जो बहुराष्ट्रीय निगम है जो मेजबान देश में अपने उपक्रम को स्थापित कर रहे हैं, तो वो प्रारंभ में क्या करते हैं कि चूंकि उस देश में प्रतियोगिता ना बढ़े, इसके लिए वो पुरानी व अनुपयुक्त तकनीक प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद मेजबान देश के साधनों को अपने हित में प्रयोग करना, जो उस देश में कच्चा माल है, जो स्थानीय पूंजी है, जो स्थानीय प्रतिभा है, उसको ऊंची कीमत देकर अपने हित में प्रयोग करते हैं। इससे उस मेजबान देश को अपने कच्चे माल, अपनी स्थानीय पूंजी, अपनी प्रतिभा का फायदा उसको यहाँ पर नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद है गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में निवेश। खासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं, वो गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं जहां पर कि उन्हें बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो। तो उच्च व संपन्न वर्ग की मांग वाले उत्पादन की ओर उनका ध्यान होता है, अर्थात वो ऐसे उत्पादनों को करते हैं जो कि उच्च व संपन्न वर्ग से जुड़े हों, उनकी डिमांड से जुड़े हों, आम जनता के हिसाब से उनकी उत्पादन की ओर उनका ध्यान कम होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा अधिक लाभ वाले उद्योगों की तरफ उनका ध्यान अधिक होता है। अंतिम है ये उपभोक्ता। यहाँ पर विज्ञापन व उपभोक्ता आकर्षण के माध्यम से मेजबान देश के उत्पादन को बाजार से बाहर कर अधिक कीमत पर अपना माल बेचते हैं। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादन हैं उनके बहुत आकर्षक और तरह तरह के उपभोक्ताओं को लुभाने वाले विज्ञापन आते हैं।
तो उनका उद्देश्य क्या है कि जो मेजबान देश के जो उत्पादन है उनको बाजार से बाहर करना है और अपने माल को उस देश में बेचना है, और जब बिकने लगे तो फिर जब लोगों की आवश्यकता बन जाए तो उसको फिर अपनी कीमत पर, अधिक कीमत पर माल को हम बेचें। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं का यहाँ पर शोषण होता है। तो जैसा कि बताया कि बहुराष्ट्रीय निगम सिर्फ जहाँ बहुत अधिक लाभ हैं वहीं कुछ हानियाँ भी हैं जिसमें ये प्रमुख। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर, ये क्या है। तो संयुक्त क्षेत्र का जो उदय है एक ऐसे औद्योगिक संगठन के रूप में हुआ जिसमें सरकार एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थान ऐसे उपक्रमों में जिसमें उन्होंने विनियोग किया है पर नियंत्रण रख सकते हैं तथा लाभ में भागीदारी होती है। तो यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र जो है वो एक औद्योगिक संगठन के रूप में हुआ है। यहाँ पर सरकार और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है ये इसमें मिलकर क्या करते हैं, विनियोग करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं तथा लाभ में ये भागीदारी इनका हिस्सा होता है। तो यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र शब्द का जो प्रयोग है एक ऐसे औद्योगिक उपक्रम विशेष संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वामित्व एवं प्रबंध में सरकार एवं निजी उद्योगपतियों की भागीदारी होती है। तो यहाँ पर जो ये ज्वाइंट सेक्टर है इसमें सरकार और निजी उद्योगपति दोनों की मिलीजुली साझेदारी होती है और जो कंट्रोलिंग है यहाँ पर सरकार की भी होती है उसमें, और उसमें लाभ की भागीदारी या हिस्सेदारी भी होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ हम कह सकते हैं कि संयुक्त क्षेत्र जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सम्मिश्रण है, अर्थात ज्वाइंट जो संयुक्त क्षेत्र है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मिला जुला कर बना हुआ है। यहाँ पर एक उदाहरण हमारे सामने था कि भारत में जो जीवन बीमा निगम जो कि निजी क्षेत्र की औद्योगिक उपक्रमों को समता अंश पूंजी में बड़ा उसका भागीदारी था, परंतु उसने अपने प्रबंध को प्रभावित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो यहाँ पर समिति ने सिफारिश की कि जीवन बीमा निगम के इन उपक्रमों के प्रबंध में सक्रिय भूमिका अदा करना चाहिए। तो इस प्रकार जो वित्तीय संस्था जो हैं निजी उपक्रमों को ऋण देते हैं और अपने ऋण को समता अंश पूंजी में परिवर्तित करके उन उपक्रमों के प्रबंध एवं लाभ के हिस्से में बांटना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है संयुक्त क्षेत्र जो है सर्वप्रथम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग के अनुसार जो है एक ऐसे फर्म से संबंधित है जो सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में जो है यहाँ पर संगठित है, सीमित दायित्व वाली। तो इस प्रकार से संयुक्त क्षेत्र जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सम्मिश्रण है। तो ये एक ऐसी फर्म से संबंधित हैं जो सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में क्या है, संगठित है। यहाँ स्वामित्व और जो प्रबंध है दोनों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सम्मिलित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त क्षेत्र के लाभ कौन कौन से हैं। तो नंबर एक है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। औद्योगिक क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घराने व विदेश जो है विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व रहा है। बड़े औद्योगिक घराने और विदेशी जो पूंजी वाले हैं कंपनियां उनकी प्रमुखता रही है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों का अधिकांश ऋण इन्हीं घरानों से प्राप्त होता था, अर्थात संयुक्त क्षेत्र में यहाँ पर जो ऋण प्राप्त होता था ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से ही प्राप्त होता था। तो यहाँ औद्योगिक घराने जो हैं अपने विशाल वित्तीय साधन के कारण जो है बहुत अधिक मात्रा में उपक्रमों को स्थापित कर अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहे थे, कमा रहे थे। उनको नियंत्रित करने में जो है संयुक्त क्षेत्र की भूमिका रही है, अर्थात बड़े औद्योगिक घरानों के अलावा जो और भी
छोटे छोटे पूंजी के स्रोत हैं उनको सरकार के साथ यहाँ पर जोड़ा गया, संयुक्त क्षेत्र के लिए उन्हें सम्मिलित किया गया। तो यहाँ इससे ये हुआ कि जो है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर ब्रेक लगा, रोक लगी। दूसरा जो है नवीन साहसियों को प्रोत्साहन, ऐसे उद्यमी जो कि जिनके पास साहस है, संबल है, वो उपक्रम की स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए नवीन साहसियों को सरकार की भागीदारी में उद्यमियों को उपक्रम की स्थापना करना आसान हुआ। वे वित्तीय ऋण व लाइसेंस में उन्हें सरलता प्राप्त हुई। अर्थात ऐसे उद्यमी जो कि इस प्रकार के उपक्रमों में उत्पादन करने के लिए आगे आना चाहते हैं, सरकार के द्वारा जो है उन्हें वित्तीय ऋण उपलब्ध कराया गया और लाइसेंस जो था उसमें सरलता प्रदान की गई। फिर सरकारी वित्त, फिर इसके बाद सार्वजनिक कोषों का सदुपयोग। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण समता अंश में पूंजी में परिवर्तन करना संभव हुआ। अर्थात यहाँ पर जो सार्वजनिक वित्त जो संस्थानों के द्वारा दिया गया ऋण था वो समता अंश पूंजी में परिवर्तित करना संभव हो गया, तो जिससे उन वित्तीय संस्थाओं को लाभ का हिस्सा मिलना जो है वो संभव हो गया। इसके बाद अंतिम है, यहाँ पर चौथा है, सरकारी वित्त एवं निजी प्रबंध का समन्वय। सरकारी उपक्रम जो है प्रबंध की कुशलता के अभाव में हानि तो उठाते ही हैं, तो वहीं निजी क्षेत्र जो है पूंजी के अभाव में जो है वो विकास नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट सेक्टर से दोनों के बीच जो है समन्वय स्थापित करना सरल हो गया। फिर अंतिम बात करें हम भय की समाप्ति, संयुक्त भागीदारी से जो निजी उद्यमियों का भय था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि निजी उद्यमियों के मन में जो है सरकार की नीतियों को लेकर हमेशा भय बना रहता था। तो जब ये ज्वाइंट हिस्सेदारी हुई, भागीदारी हुई, तो निजी उद्यमियों का जो है भय यहाँ पर समाप्त हुआ और उन्हें सरकार की मदद प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ज्वाइंट सेक्टर के जो लाभ थे उनको हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद हमारे सामने सार्वजनिक निजी साझेदारी, हम देखें PPP, सार्वजनिक निजी साझेदारी, इसको जो है PPP या P3 नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाता है कि पीपी का क्या आशय है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी। सार्वजनिक निजी साझेदारी जो है एक ऐसे मॉडल को व्यक्त करता है जिसमें कार्यों एवं दायित्वों और जोखिमों का बंटवारा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारों के मध्य अनुकूलतम ढंग से होता है। तो यहां पर सार्वजनिक निजी साझेदारी में जो मॉडल है इसमें जो है सार्वजनिक साझेदार के रूप में संस्थाएं शामिल होती हैं जिसमें सरकारी विभाग, राजकीय उद्यम या निगम है, वहीं निजी साझेदार में स्थानीय या विदेशी हो सकते हैं। ये लोग किसी विशेष प्रोडक्ट में कार्य, तो यहाँ पर सार्वजनिक निजी साझेदारी को आधारिक संरचना तथा अन्य सेवाओं के संदर्भ में सार्वजनिक व निजी संस्थाओं के संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि इस मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, साथ ही ये सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करता है, साथ ही सार्वजनिक निवेश की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा मॉडल कहलाता है ये, जिसमें कार्य, दायित्व और जोखिमों का बंटवारा जो है सार्वजनिक और निजी साझेदारों के बीच, दोनों के बीच में अनुकूलतम ढंग से यहाँ पर हो जाता है। इस मॉडल में निजी क्षेत्र की भूमिका जो है प्रोजेक्ट के कुशल संचालन में नव प्रवर्तन, प्रबंधकीय व विशेषज्ञता संबंधी कार्य करना होता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आज की स्थिति में जो है इस मॉडल में विश्व में ऊर्जा सृजन व वितरण, तेल पाइपलाइन, अस्पताल, स्कूल निर्माण, जलापूर्ति व सैनिटेशन, स्टेडियम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सड़क निर्माण
एवं रेलवे आदि क्षेत्रों में सफलतापूर्वक ये कार्य कर रहे हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं सार्वजनिक निजी साझेदारी वाले क्षेत्र, जहाँ पर कि जो भी कार्य हैं, जो भी दायित्व हैं, जो भी जोखिम है, वो दोनों सार्वजनिक और निजी दोनों साझेदारों के बीच इनका वितरण समान रूप से होता है। आज के इस अध्याय के अंतर्गत कुछ आवश्यक प्रश्न हैं। बहुराष्ट्रीय निगम या भूमंडलीय उपक्रम से आपका क्या आशय है, जो कि भूमंडलीय उपक्रम या विश्व उपक्रम कहलाते हैं। दूसरा, बहुराष्ट्रीय निगम की विशेषताएं लिखिए। तीसरा, आपका बहुराष्ट्रीय निगम के 5 आपको लाभ लिखना है। चौथा, विकासशील देश के लिए बहुराष्ट्रीय निगम किस प्रकार से हानिकारक है, समझाइए। ऐसे देश जो कि विकासशील देश कहलाते हैं, उन देशों में बहुराष्ट्रीय निगम किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, किस प्रकार से वहां पर हानि हो रही है, वो आपको यहां स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर क्या कहलाते हैं, इसको आपको लिखना है। और सार्वजनिक निजी साझेदारी से क्या आशय है, पीपी मॉडल किन किन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसको आपको समझाना है।